इस वक्त हम कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास के समक्ष मौजूद हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो है वो लगातार दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको पता होगा कि नगर पालिका सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन अब तक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिस वजह से लगातार जो अभ्यर्थी है वो कई मंत्रियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है। कई अभ्यर्थी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि आखिर दीपिका पांडे सिंह से आज ये लोग मुलाकात करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ वार्ता फिलहाल इनकी उनसे हुई है, क्या कुछ वार्ता हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा। जी मैम, सबसे पहले तो यहाँ दीपिका पांडे सिंह के यहाँ पे आए, हम लोग को यहाँ पे यही आश्वासन दिया गया कि आप लोग का तो पहले बात हो चुका है और अगस्त तक टाइम जो दिया गया है वो आप लोग वेट कीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बात आगे रखा जाएगा, इसी टाइप का आश्वासन दिए फिर। और ज्यादा बिजी थे और हम लोग का वही तकरीबन 8-9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग को एक आंसर की दिया गया है, फाइनल आंसर किया और रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है, तो वही सभी छात्र परेशान हैं, इसके चलते हम लोग दरवाजा सभी मैडम के यहाँ खटखटा रहे हैं, मंत्री आवास आ रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो कहा उसे संतुष्ट है आप लोग? वैसा संतुष्ट तो नहीं है मैम, मैंने फुली नहीं बोले, बस बोले जो टाइमिंग दिया गया है उसको वेट कर लीजिए आप लोग, धीरे धीरे सब काम हो रहा है, देख ही रहे हैं, आज जई वाला का जो पेंडिंग रिजल्ट था आज दिया जा रहा है, यही सब आश्वासन दिया, वैसा कुछ ठोस नहीं दिए हैं। इससे पहले भी आप मुलाकात करने के लिए आए थे दीपिका पांडे सिंह जी से? जी पहले भी दोस्त लोग मिल चुके हैं, तो यही आश्वासन दिया गया था कि फाइनल आंसर की नहीं आएगा तो फिर 10 दिन के बाद आइएगा, तो वही हम लोग 10 दिन के बाद दरवाजा खटखटाने के लिए आए, तो कुछ वैसा ठोस तो नहीं मिला। और भी अभ्यर्थी है संतुष्ट हुए यहाँ पर आकर, क्योंकि लगातार मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और आज कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले तो हम बाइस्कोप के सारे जो भी चैनल देख रहे हैं सबको और खासकर करिश्मा मैडम को हम अपने तरफ से जोहार करते हैं। आज दीपिका मैडम से बात हुई और 9 तारीख को भी हम लोग मिले थे, 9 तारीख को मिले थे तो दीपिका मैडम ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन में हम आप लोग का आंसर की जारी कर देगा, उसी समय हम लोग के सामने ही वो JSSC के चेयरमैन से बात किए थे, आज आए वो जल्दीबाजी में थे, पर फिर भी उन्होंने बोला कि सारे जो भी वैकेंसी प्रोसेस में है सारे लोग को कंप्लीट किया जाएगा और अगस्त का जो टाइम दिया है और उन्होंने बोला कि अगस्त तक कंफर्म है कि आप लोग का फाइनल कर दिया जाएगा। खुश है? खुश जिस दिन हम लोग को नियुक्ति मिलेगा उस दिन खुश रहेंगे। सवाल तो बहुत सारे थे आप लोगों के मन में, सारे सवालों का जवाब मिल गया यहाँ आकर। नहीं तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अगर हम लोग लड़ भी नहीं सकते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और जिन्होंने हमारे सारे मित्र हम लोग बोले, मैडम ने भी आश्वासन दी है कि मतलब कि अगस्त तक पूरा कर दिया जाएगा, और हम खासकर मैडम को और आपके चैनल से जितने भी मिनिस्टर हैं और खासकर JSSC के चेयरमैन सर हैं या CM सर हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि आपको बता देना चाहते हैं आप लोग, आप हम लोग का हमेशा हम लोग का साथ देती हैं और हर आप वहाँ पर हम लोग जहाँ प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर भी आप आई थी, और आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग के साथ है, 10 दिन के जो लगभग 10 दिन के अंतराल में जिनकी एग्जाम होती है सारे लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई, अभी कुछ पेंडिंग था आपका JEE वाले को, आज उनकी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो हमें उम्मीद भी है कि हेमंत जी युवा के सोच के लिए बने भी थे और आगे अगर हम लोग का देखेंगे और चुनाव से पहले हम लोग को उम्मीद है कि चुनाव से पहले हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगी। 10 महीने बीत गए हैं, 10 महीने के बाद लगातार अब आप लोग मंत्रियों के द्वार जा रहे हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है सभी विधायक सभी मंत्रियों की ओर से? मैम सभी को तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव थॉट हम लोग को आता है अंदर से कि वो आएगा। आज दीपा मैम से आए तो वो बोली कि अच्छा हम बात करके बताते हैं आपसे, हम लोग तो रिक्वेस्ट भी किए मैम सामने बात कर लीजिए आप, क्योंकि पिछले तारीख हम लोग 9 तारीख को ही आए थे यहाँ पे मिलने के लिए उनसे, 9 जुलाई को, तो वो मैम बोली कि 10 दिन में आप लोग का आंसर की नहीं आता तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, तो हम लोग 17 तारीख को आए थे तो उनका शायद कुछ प्रॉब्लम था तो वो मिल नहीं पाई, आज हम लोग आए तो मैम बोली आप लोग को अगस्त में मिल जाएगा, तो मैम कैसे मिला, हम लोग कैसे यकीन कर ले कि वो मिल जाएगा, मैम को हम लोग यही बात बोले कि मैम फाइनल आंसर की आता है उसके बाद रिजल्ट आने में 10 दिन लेता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में 10 दिन का टाइम लेता है, तो 2 महीने तो 1 महीने तो उसी में चले जाएंगे, तो ज्वाइनिंग बांटोगे किसे, जब तक आप जब अच्छे लड़के चूज नहीं करोगे कटअप जारी नहीं करोगे तो बांटोगे किसे, हमें कहना है बस हमें रिजल्ट देखना है कि वो हमारा नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैम बोले अच्छा ठीक है आज ज्वाइनिंग लेटर देना है हम लोग को तो हम लोग जाके वहाँ पे आपका बात उठाएंगे, तो मैम वो अपना ज्वाइनिंग लेटर सबको देगी या हमारा बात उठाएगी, तो हम लोग वहाँ तो संतुष्ट नहीं हो पाई इस बात को लेकर, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग से मिलती है बात करती है, मंत्री लोग भी बुलाते हैं बात करते हैं, लेकिन कोई कोई मंत्री डायरेक्ट बोलते हैं कि आप लोग भीड़ जमाइए भीड़ आएंगे तो हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग तो कभी कभी तो हम लोग तो नर्वस हो जाते हैं क्या बोलें इनके सामने,
फिर बात ये हुई, कल हम लोग गए थे जेएससी ऑफिस, तो हम लोग नगर पालिका का देख के वो बेल बजा के हम लोग से बाहर करवा दिए कि नहीं, इन लोग से नहीं मिलेंगे। अब इसलिए हम लोग को नेगेटिव थॉट आता जा रहा है कि जब वो मंत्री नहीं मिलना चाह रहे हैं, सेक्रेटरी नहीं मिलना चाह रहे, तो फिर हम लोग का रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा है, बस यही कारण से हम लोग दुखी और हराश हो जाते हैं। 29 अक्टूबर 2023 को परीक्षा ली गई थी, ना ही फाइनल लिस्ट जारी हुआ यानी कि आंसर की, ना ही अभी तक रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। लगातार जो अभ्यर्थी है वो मंत्रियों के पास जा रहे हैं, विधायकों के पास जा रहे हैं और आयोग भी जा रहे हैं ताकि ये पता कर सके कि आखिर रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि सभी मंत्री सभी विधायक ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी, जो परिणाम है वो प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर परिणाम कब प्रकाशित होता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाई स्को रांची। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड च्वाइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।